जैसे वेद और पुराण ये सत्यता प्रमाणित करते हैं, तो अगर वेद और पुराण में जो इनके रचयिता हैं, शायद हमें उतना ध्यान नहीं है, वेद व्यास जी महाराज जी हैं, तो वो तो प्रभु के बहुत बड़े भक्त खुद ही थे, उन्हें तो शायद ज्ञान होगा कि भगवान कौन है। और इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष, उन्होंने वेद और पुराण की रचना की, रचना करने के बाद उन्होंने इस भ्रम में पूरे समाज को डाल दिया कि शिव पुराण लिखा, विष्णु पुराण लिखा, नाना प्रकार के पुराण लिखे उन्होंने। अगर भगवान एक ही है तो नाना प्रकार के पुराण लिखने की जरूरत क्या थी? अगर पुराण लिखे भी थे, रास्ता मार्ग उन्होंने दिखाया भी, तो ठीक था, तो एक ही जन को केंद्रित करते जो कि सर्वश्रेष्ठ थे, और वो सर्वश्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण भगवान, तो उन्हीं को केंद्र में रखते। लेकिन उन्होंने कभी शिव पुराण में शिव जी को केंद्र में रख दिया, विष्णु पुराण में विष्णु जी को केंद्र में रख दिया, गरुण पुराण में और किसी को केंद्र में रख दिए, तो सबको उन्होंने केंद्र में रख रख करके और समाज के अंदर एक भ्रमित प्रश्न जो डाल दिया है, ये कहाँ से इतने बड़े महापुरुष की कहाँ से ये अज्ञानता थी उनकी की ज्ञानता थी, ये समझ में नहीं आता नहीं, है नहीं, और अभी तक लोग भ्रम में है। सुनिए, उन्होंने जो कुछ लिखा वो सबके हित के लिए लिखा। प्रभु जी समझ में आए तो हित हो ना, जब समझ में आता ही नहीं है तो हित कहाँ से पैदा हो? समझ में नहीं आता है तो उसको समझाने की उन्होंने कोशिश किया है। सारे ग्रंथों के सार को उन्होंने लिखा, ब्रह्म सूत्र दिया सूत्र, और फिर ब्रह्म सूत्र भी कठिन पड़ गया समझना, तो उन्होंने स्वयं भाष्य लिखा, ब्रह्म सूत्र की टीका किया, वो है श्रीमद् भागवतम। प्रभु जी तो जो शिव पुराण पढ़ते हैं और शिव जी की महिमा को बड़ा समझते हैं, या गरुण पुराण पढ़ते हैं वहाँ पे विष्णु जी की महिमा है, तो इन पुराणों को केवल पढ़ लें, इसके ऊपर में अवलोकन न करें, इसके बारे में ध्यान न रखें क्या? केवल पढ़ने के लिए है बस, इसको मतलब व्यवहार में लाने के लिए नहीं है नहीं, कि हम शिव जी को शिव जी शिव पुराण के लिए है तो, शिव जी को सुप्रीम मानने वाले लोग हैं उसको पढ़ें। पढ़ने से फायदा ये होगा कि कम से कम सदाचार आ जाएगा जीवन में। जो शिव जी को सुप्रीम मानते हैं तो उसके अनुसार जैसे मांस न खाना और भी दुराचार आदि न करना, ये इतना सीखेंगे शिव जी को बड़ा मानेंगे तो। क्योंकि कुछ जीव कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो तमोगुण में ही रहते हैं, और वे यदि कृष्ण को आप बड़ा बताइए तो उनके समझ में बात आएगी नहीं, अतः शिव जी को बड़ा बता करके उनकी मति को शिव जी के अनुसार की जाती है। ये पद्धति है वेदों की कि तमोगुण से रजोगुण पर आए और रजोगुण से सतगुण में आए और सतगुण से फिर निर्गुण गुणों से रहित स्थिति। तो जो व्यक्ति तमोगुण में है उनको तमोगुणी देवता को ही बताना होगा, और रजोगुण में है तो उनको रजोगुणी देवता का परिचय देना होगा। इसीलिए पुराणों में इतना भेद है, सब प्रकार के मनुष्यों पर दृष्टि है वेदव्यास देव की। अगर आप कह दीजिए कृष्ण की भक्ति करो तो अधिकांश मनुष्य तो तमोगुण में है, वो इस बात को नहीं मान पाएंगे, नहीं मान पाते हैं, प्रकट दिखाता। अगर कहा जाता है कि स्नान करना चाहिए तो कुछ लोग तो ये भी नहीं समझ पाते हैं स्नान की क्या जरूरत है, क्या बिना स्नान के हम नहीं खा सकते हैं? अरे खा सकते हो, तो आप दुनिया में प्रचार करके देख लीजिए कि अधिकांश तमोगुणी मनुष्य हैं, वो तमोगुण में रहना अच्छा मानते हैं, तो इसीलिए तमोगुणी देवता को ही सुप्रीम मान करके चलते हैं।
इसीलिए पुराण में भी कभी कभी शिव जी की, कभी गणपति जी की, कभी माता दुर्गा की प्रशंसा की गई है। केवल उस कैटेगरी के लोगों की मति को लगाने के लिए, हायर करने के लिए एक सीढ़ी नीचे, जैसे हम बड़े ऊंचे भवन पर चढ़ना चाहते हैं तो कई सीढ़ियां होती हैं, तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, ऐसे बढ़ते बढ़ते पहले हम तमोगुण से मुक्त होंगे तो एकाएक निर्गुण नहीं हो पाएंगे, एकाएक प्रकृति के गुण को नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए पहले रजोगुण में जाएंगे, रजोगुण में से फिर विकास करके तब सत्वगुण में आएंगे, और सत्वगुण के बाद तब निर्गुण प्लेटफार्म ट्रांसडेंटल। तो वेदव्यास देव की यही पद्धति है, उन्होंने इस तरह से हित किया समग्र मानव जाति का। आप जरा विचार कीजिए, सारे संसार में जितने मनुष्य हैं उसमें अधिकांश मांस खाते हैं, और मांस ही नहीं गो मांस बीफ खाते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को यदि तमोगुण से उठाने के लिए किसी रजोगुणी देवता का वर्णन किया जाए तो उसके चलते अगर मांस खाना छोड़ दें, बीफ खाना छोड़ दें, तो एक स्टेप आगे बढ़े ना। तो ये वेदव्यास देव की पद्धति है, कम से कम भगवान शिव के भक्त तो गोमांस नहीं खा सकते हैं, एक स्टेप विकास हुआ ना। इस तरह से करते करते धीरे धीरे वे सभी दुर्गुणों से पार हो जाएंगे। निर्गुण मतलब गुणों से परे लेना है, जीव को उठाना है। माया बंधन क्या है? प्रकृति के गुणों में हम फंसे हैं, तो गुणों का अतिक्रमण एकाएक नहीं किया जा सकता, क्रम से होता है। प्रभु जी, जैसे शिव जी को सुप्रीम मान के अगर शिव के नज़दीक मतलब उनकी तपस्या में उनकी कृपा से वहाँ तक पहुँच गए और अंत में शिव जी ने यह कहा कि हम तो सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम तो कृष्ण जी हैं, तो बचपन में से लेकर के उस स्टेज तक जब तक वो शिव के शरण तक नहीं पहुँचा वो भक्त, तब तक वो तो शिव जी को सुप्रीम मानता था, और उसके बाद जब शिव जी ये कह रहे हैं कि कृष्ण जी को मानिए, पास पहुँचा शिव जी तो बताते हैं, उसके मन अचानक कैसे बदलेगा, ऑटोमेटिक कैसे, वो बटन तो स्विच तो है नहीं कि तुरंत दबाओ चेंज हो जाए, तो अपने मन को कैसे बदलेगा कि अभी तक हम तो शिव जी को सुप्रीम समझते थे, अब ये कह रहे हैं कि कृष्ण जी को मानिए। वचन से शिव जी के वचन से समझेगा, शिव जी के आचरण से। शिव जी इतने बड़े विरक्त हैं, वो क्या काम करते हैं, तुम अपनी राम राम दिन राती सादर रट हूँ अनंग आराती, शिव जी रात दिन राम राम रटते रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो शिव जी से वो सीखेगा ना कि सुप्रीम वास्तव में कोई और है जिसका भजन शिव जी स्वयं करते हैं, वह है जगन्नाथ जी, रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदा। शिव जी स्वयं भजन करते हैं भगवान का, तो शिव जी तक पहुंचना चाहिए पहले, तो शिव जी के आचरण से वचन से वो स्वयं समझ जाएगा। और यदि बहुत एक्सपर्ट गुरु मिले कृष्ण भावनामृत का तो वो तो तत्काल ही एलिवेट कर सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने
अमेरिका के लोगों को या भारत के ही लोगों को ये पाठ नहीं पढ़ा है कि पहले तुम शिव की उपासना करो या सूर्य की उपासना करो, दुर्गा की उपासना करो, धीरे धीरे बढ़ जाओगे। सीधे मुक्त कर दिया। गोमांस खाते थे, शराब पीते थे, उनको उन्होंने सिद्धांत बताया सही सही कि वास्तव में जीव कृष्ण का नित्य दास है। तो उन लोगों ने ये सब तर्क नहीं किया कि शिव कृष्ण ही क्यों सुप्रीम है और क्यों नहीं है। हमारे भारतवर्ष में ज़्यादा बखेड़ा है। अगर कृष्ण का भजन करने को है तो ला करके कम से कम 2-4 हज़ार या 33 करोड़ खड़ा कर देते हैं कंपटीटर। ये भी भगवान है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने तो उनको रखा ही नहीं, कृष्ण को रखा, और उन लोगों ने मान लिया जो सत्य सिद्धांत है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यदि ऐसा कोई समर्थ हो तब कोई जरूरत नहीं है अन्य पुराणों की, अन्य देवताओं की। यह सब प्रभुपाद जी की ही कृपा है कि इतने भक्त सत्य बात को समझ गए हैं और कृष्ण को समर्पण किए और उनकी मति को फिर कोई डिगा नहीं सकता। कोई चर्च हो या चाहे साई फाई हो, अब कृष्ण भावना में अडिग हैं भक्त, वे डिग नहीं सकते।